So, bachcho, in continuation of your last video of interest on drawings, now the situation too arises, जहाँ पे हमें partners की drawings तो दी है, पर वो drawings हमको installment में दी है, लिखा है, Mr. A ने साल में कभी 10,000 रुपए निकाले, date दी है, 5,000 रुपए निकाले, date दी है, इस तरह से date wise drawings अगर दी गई है, ऐसे cases में आप monthly product method use करोगे. अब now what is this monthly product method? It's better to understand it by example. इसलिए मैंने example बताया है. Situation समझे? मान लो मिस्टर ए है, उसने 2019-20 में, मतलब मार्च 2020 एंडिंग में ये ड्राइंग्स करी. 1st अगस्त को 5,000, 1st दिसंबर को 10,000 एंड 29 फेब, लास्ट डे ऑफ फेब को 6,000. और आपसे कहा गया कि कैलकुलेट करो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. Now how will you do? एक तरीका तो ये है जो लेंदी है, जो मैं नहीं कहूंगा आपसे करने के लिए, कि आप हर ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और फिर निकालो. इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस. तो व्हाट आई कैन डू, आई विल यूज दिस मेथड नोन एज मंथली प्रोडक्ट मेथड. उसमें करना क्या होता है देखिएगा सॉल्यूशन प्लीज. मैं एक टेबल बनाऊंगा, डेट लिख दूंगा ड्रॉइंग्स की जो थी वहां पे, 1st अगस्त 1st दिसंबर 29 फेब. अमाउंट लिख दिए 5,000, 10,000 एंड 6,000. अब नाम से समझो मंथली प्रोडक्ट, मंथली मतलब मंथ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. हम इन अमाउंट्स में जितने महीने का इंटरेस्ट लगना उतने महीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो देखो जो बंदा है ड्राइंग 1 अगस्त को करेगा और हिसाब कब होगा 31 मार्च को, तो अगस्त से लेके मार्च से कितने दिन हुए जोड़ लो, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 8 मंथ्स. सो 5,000 के आगे कितने महीने लेगा, 8 महीने. 1st दिसंबर को जो बंदे ने ड्राइंग करी, 31 मार्च तक कितने दिन हुए, 1st दिसंबर है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स. एंड 29 फेब इज द लास्ट डेट ऑफ फेब, तो फेब तो खत्म, तो कितने महीने बचे केवल, मार्च. तो मैंने सिंपली 5,000 × 8 करके 40,000 निकाल लिया, 10,000 × 4 करके 40,000 निकाल लिया, 6,000 × 1 करके 6,000 निकाल लिया. तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा मंथली प्रोडक्ट क्या हो गया, 86,000. Now what will be the formula for interest on drawing? Formula for interest on drawing will be total monthly product into rate by 100 into 6 into 1 by 12. क्यों आया ये formula? सोचो वैसे interest कैसे निकलता है, amount into rate by 100 into time by 12. Time हम already multiply कर चुके, इसलिए क्या बचा, 1 by 12. तो answer आएगा 86,000 into 6 by 100 into 1 by 12. तो आंसर विल बी 430 रुपीज. तो जिन क्वेश्चंस में डेट वाइज ड्राइंग्स दी हो किसी पार्टनर की, वहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे. अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं. इसी में एक और केस आता है, शॉर्टकट टेक्निक व्हेन ड्राइंग्स आर ऑफ इक्वल अमाउंट मंथली और क्वार्टरली. अब शॉर्टकट टेक्निक है, देखो शॉर्टकट रास्ते जीवन में हमेशा काम नहीं आते ना, वैसे ये टेक्निक भी आपको बहुत लिमिटेड केसेस में काम आएगी, जहां पे पार्टनर एक फिक्स अमाउंट की ड्राइंग करता है हर महीने या हर क्वार्टर. मंथली मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च. अब इसमें तीन तरीके से हो सकती है, या तो पार्टनर कहे कि मैं ड्राइंग करता हूं हर महीने की 1st तारीख को, तो उसकी डेट ऑफ ड्राइंग से होंगी 1st अप्रैल 1st मई 1st जून, ऐसे होंगी. अगर वो कहे मैं ड्राइंग करता हूँ 15th ऑफ द मंथ, तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या होंगी, 15 अप्रैल 15 मई 15 जून, ऐसे होंगी. और लास्ट हो गया तो 30th अप्रैल 30th मई 30th जून, ऐसे हो जाएंगे. सेम इज विथ क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का पीरियड. आप अपने स्कूल में फीस भी तो क्वार्टरली जमा करते हो. पहला क्वार्टर कब होता है, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 4th क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च. तो अगर कोई पार्टनर हर महीने या हर क्वार्टर फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू फैक्टर डिवाइड बाय 12. अब चक्कर आता है ये फैक्टर क्या है, आप बुक्स में देखोगे फैक्टर दूसरी तरह से डिफाइन किया है, n n+1 / 2. मैं कुछ नहीं बताता, फैक्टर भी हम आगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम करेंगे, अभी आप फैक्टर को याद कर लो बस. वैसे तो हमने फैक्टर भी नीचे लिख रखे हैं, पर जिन केसेस में फैक्टर ना दियो निकालना पड़े, तो फैक्टर का कंसेप्ट होता है
पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस पीरियड ऑफ लास्ट ड्रॉइंग का एवरेज। पहली ड्रॉइंग में कितने महीने का इंटरेस्ट लगना है, आखिरी ड्रॉइंग में कितने महीने का इंटरेस्ट लगना है उसका एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर हर महीने की एक तारीख को ड्रॉइंग करता है, तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ कि उसकी पहली और आखिरी ड्रॉइंग कब होगी। अप्रैल से लेकर मार्च तक का साल होता है, हर महीने की फर्स्ट तारीख को ड्रॉइंग करता है, तो पहला महीना कौन सा हुआ, अप्रैल, तो उसकी पहली ड्रॉइंग की डेट कौन सी हुई, फर्स्ट अप्रैल। एंड वॉट इज द लास्ट मंथ, मार्च, उसकी ड्रॉइंग कब करेगा वो, फर्स्ट मार्च, 31st मार्च नहीं, फर्स्ट ऑफ द मंथ है ना, तो मार्च का पहला दिन है फर्स्ट मार्च। अब मुझे ये बताओ, पहली ड्रॉइंग फर्स्ट अप्रैल, आखिरी ड्रॉइंग फर्स्ट मार्च, जो ड्रॉइंग उसने फर्स्ट अप्रैल को करी, 31st मार्च को हिसाब होगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ्स का। और जो ड्रॉइंग उसने फर्स्ट मार्च को करी, लास्ट वाली, 31st मार्च को हिसाब होगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का। तो पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग 12, पीरियड ऑफ लास्ट ड्रॉइंग 1, 12 + 1 13/2 6.5। तो अभी आप देखिए, मैंने कुछ फैक्टर्स आपको याद कराए नीचे, फैक्टर्स देखो क्या लिखे हैं। मंथली ड्रॉइंग के केस में अगर बिगिन ऑफ मंथ है तो फैक्टर इज 6.5 जो अभी बताया, मिडिल में 6, एंड में 5.5। सेम उसी तरह से फैक्टर्स क्वार्टरली ड्रॉइंग्स में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 7.5, मिडिल में 6, एंड एंड में 4.5। ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप अगर एवरेज करके निकालोगे तो टाइम लगेगा, क्वेश्चन आएगा, तो हम फटाफट जैसा हमारा फैक्टर दिया उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। आज की वीडियोस देखकर आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के दिए हैं उनको आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लासेस में उनके डाउट्स भी लेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। वी विल मीट यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।